हाय फ्रेंड्स, सो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वायरलेस माउस। एंड दिस वायरलेस माउस इज ऑफ द कंपनी टोरेटो। एंड दिस द मॉडल नंबर इज शेडो 2 एंड द अदर इज TOR 953। सो दिस इज द वायरलेस माउस। एंड सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। सो स्पेसिफिकेशंस देखने के लिए ओके, सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये ऑपरेट होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। इसकी जो बैटरी लाइफ है वो करीब करीब 30 लाख टाइम्स आपको अगर आप प्रेस करते हैं इसका लेफ्ट बटन या राइट क्लिक करते हैं तो करीब आप 30 लाख टाइम्स इसको राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं। एंड सो जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो आप ऑपरेट कर सकते हैं इसकी मीटर वो है करीब 10 मीटर के आसपास। इसका रेजोल्यूशन है करीब 600 dpi। सो रेजोल्यूशन जनरली ये हमें बताता है कि माउस कितने अच्छे से काम करेगा। एंड जितना जनरली जो रेजोल्यूशन होता है वो 400 या 800 dpi होता है और इसका रेजोल्यूशन जो है करीब वो रेजोल्यूशन इज जनरली एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ द डॉट्स पर इंच। और जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है उतना ही माउस ज़्यादा सेंसिटिव होता है और उसके लिए आपको उतना ही आपको मूव कम करना पड़ता है टू गेट एन ए पर्टिकुलर रेस्पॉन्स। नेक्स्ट इसमें आता है आपका ऑपरेटिंग। सो रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज 1.4 वोल्ट विच इंडिकेट कि इसको एक ही डबल ए बैटरी साइज की जरूरत होती है। एंड सो रेस्ट इज नॉट टू मच। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इसका जो मैक्सिमम प्राइस है वो करीब 649 रुपीज़ है बट ये मैंने करीब 500 रुपीज़ में लिया है और ये अक्टूबर 2019 का बना हुआ है। दिस इज़ मेड इन चाइना। एंड सो अगर जब मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे देखने को ये मिला कि मैक्सिमम जो वायरलेस माउस हैं वो उनका ओरिजिन कंट्री या उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री वो चाइना ही है। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज होते हैं दे इम्पोर्ट दिस माउस होते फ्रॉम द चाइना ओनली। सो वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन होते वेयर वी कैन एक्सेप्ट द एप्पल विच इज कॉस्ट अराउंड 6000 प्लस। सो it's not possible to borrow this one but otherwise rest of the mouse either they were manufactured or they were originated in China only, so we have the limited options to go for the other country. Okay, so it's the same model here. So there is a nothing in this side, there is a nothing at this side. So एंड यहाँ पे हमें दिखाता है कि यहाँ पे ये करीब इसमें दो तरह के रेजोल्यूशन हमें मिलते हैं 800 एंड 1600 रेजोल्यूशंस। मिलता है उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हाई डेफिनेशन ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है इसमें, यूएसबी फुली कनेक्टेड है एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट जो भी है। तो इसको हम अब अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि ये अंदर से कैसा निकलता है। सो इसमें एक चीज और है जो कि आप जब इसको अनकैप करेंगे तो ये इस तरह से भी इसमें कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सो नथिंग एनीथिंग स्पेसिफिक। सो को रखते हैं साइड में। सो जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें एक माउस, एक यूएसबी रिसीवर और ये बुकलेट है। इसमें देखते हैं कि अंदर क्या दिखा हुआ है। सो दिस इज ऑल लुक लाइक सन वारंटी कार्ड। यस ओके, सो
हर्ट्ज को। सो ये एक माउस इसमें दिया है, दिस इज द माउस, यू कैन सी यहाँ पे इसमें ये दो बटन दिए हैं। सो ओके, और ये इसके साथ में एक यूएसबी पिन। ओके सो इस माउस में यहाँ पे ये दो बटन हैं जिनको दीज आर यूज्ड फॉर द प्रीवियस और द नेक्स्ट वेब पेज विद ए सिंपल क्लिक। ये जो बटन है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, दिस बटन इज यूज टू फॉर चेंज द रेजोल्यूशंस, डी पी आई, दिस इज कॉल्ड द डी पी आई बटन, एंड दिस इज द लेफ्ट क्लिक, दिस इज राइट क्लिक, एंड दिस इज स्मूथ सेंसिटिव रोलर व्हील। सो दिस इज दैट्स ऑल। अब हम इसको यूज करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग बैटरी डालते हैं। सो बैटरी डालने के लिए आपको इसको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं, दिस इज फॉर द सिंगल बैटरी पर्पस। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे हमने बैटरी डाली, इसमें रेड कलर की यहाँ से लाइट आती है। इसको बंद करते हैं। सो इसमें कोई ऑन या ऑफ का बटन मेरे को नहीं दिख रहा है। देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। आई थिंक जब हम इसको यूएसबी पिन को लगाएंगे तब इसमें ये लाइट ऑन होना चाहिए। और ओके, तो अब हम इसको लगाते हैं इसमें यूएसबी पिन। या आप देख सकते हैं, जैसे इसमें क्यूब लाइट, रेड लाइट ब्लिंक करने लगी है। और हम देखते हैं कि इसमें ओके सो अब हम इसमें देखते हैं। सो ये एक प्लाईवुड है इसलिए ये इस पे नहीं चल पा रहा है। तो हम एक नोटबुक रखेंगे और देखते हैं फिर ये किस तरह से काम करता है। यस, सो दिस इज वर्किंग फाइन। लेट्स ओपन ए वन साइट। तो इसके लेफ्ट क्लिक में एक अच्छी सी साउंड आती है और देख सकते हैं। अब मैं इसके माउस का ये बटन यूज करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। या सो दिस इज वर्किंग फाइन। आप सिंपल क्लिक से बैकवर्ड या फॉरवर्ड वेब पेजेस पे मूव कर सकते हैं यहाँ से। तो गाइस, मैंने इसको रेजोल्यूशन बटन चेंज किया एंड अब मैं यूज करके देखता हूँ इसको। सो बेसिकली आई एम नॉट फीलिंग एनी यू नो मेजर चेंजेस बिटवीन द दिस डीपीआई बटन। सो इफ यू प्रेस, सो आई अकॉर्डिंग टू कंपनी दिस रेजोल्यूशन बटन इज बेसिकली आर द स्विच बिटवीन द 800 एंड द 1600 डीपीआई। But you know, I can't sense anything major changes within between
so in between these two resolutions. Okay guys, so thanks all. एंड आई थिंक इसको स्विच ऑफ करने के लिए आपको अगर आप हम इसको निकाल के देखते हैं यहाँ से सो या आई थिंक तो इसको स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने के लिए आप इसको ही यूज़ करना होगा जैसे ही आप इसमें यूएसबी रिसीवर लगाएंगे ये स्विच ऑन हो जाएगा और जैसे ही आप इसमें से यूएसबी रिसीवर निकालेंगे ये स्विच ऑफ हो जाएगा. सो ओके थैंक यू गाइज़.